आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार भट्ट। पूरा नाम, पता, पद बताइए सर। ग्राम प्रधान किसरा। जी जी। विद्यालय, किस विद्यालय पे आए हैं आप सर? ये प्राथमिक विद्यालय मॉडर्न विद्यालय भरुआ किसरा है। अच्छा अच्छा जी जी। तो प्रधान जी, विद्यालय पे आए हुए हैं आप और मीडिया के माध्यम से अपने विद्यालय के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने बच्चों, विद्यालय के बच्चों को संदेश नहीं देना चाहता हूँ जी। इनके आगे बढ़ने के लिए जब से मैं प्रधान हुआ हूँ सतत प्रयासरत हूँ जी जी। जिस प्रांगण में आज आप आकर के खड़े हैं जी, इस प्रांगण में एक बहुत बड़ा गड्ढा था जी, जिसमें गांव के लोग भैंस नहवाया करते थे। अच्छा अच्छा। जब प्रधानी मेरे हाथ में आई तो सबसे पहले मैं उस गड्ढे को पटवाया, फील्ड को बराबर कराया और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में सरकारें चाहे जिसकी रही हूँ प्रयास हरदम करते रहे हैं जी जी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो यहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे वो हमारे गुरुजी थे जी। और मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, वो संजोग से यहाँ ड्रेस वितरण में आए थे, हमने कहा कि ये खसरहा विधानसभा रहा है, ये खसरहा अब ग्राम पंचायत हो गया, खसरहा ब्लॉक है, यहाँ पंडित राम कुमार शास्त्री, स्वर्गीय पंडित राम कुमार शास्त्री जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस के गवर्नमेंट में राज्य मंत्री रहे हैं, उनकी ये जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो विद्यालय है ये विद्यालय मॉडर्न स्कूल हो जाए जी जी। उन्होंने अपनी कुछ कानूनी समस्याएं बताया, क्योंकि वो मूल रूप से बाहर के रहने वाले थे, यहीं हम लोगों को पढ़ाए थे और बलवा लगुनही ग्राम पंचायत है, तो बलवा लगुनही ग्राम पंचायत सबसे पहले मॉडर्न विद्यालय बन गया। मेरे मन में ये कुंठा हरदम थी कि जिस खसरहा के नाम से सब कुछ यहाँ है उस खसरहा का विद्यालय मॉडर्न विद्यालय बनने पीछे हो गया। यहाँ SDI महोदय आए, SDI से मैंने निवेदन किया, BSA से निवेदन किया, समय समय पर जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया, मेरी बातों को लोग संज्ञान में लिए और एक ऐसा समय आया आज जहाँ लड़के ऐसे अंगूठी दिखाते थे आज वो लड़के गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं जी जी। मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी 3 से 4 महीने हुआ है मॉडर्न विद्यालय बनने में, अभी इस विद्यालय को सुचारू रूप से मॉडर्न विद्यालय कहलाने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि हमारे पास टीचर की कमी है और जो सुविधा होनी चाहिए अभी शासन द्वारा पूरा सुविधा नहीं मिल पाया है, और मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास करता रहूँगा। ठीक। और प्रधान जी, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं 15 अगस्त पर? 15 अगस्त पर मैं अपने क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा ही क्रीम कार्यक्रम है स्वच्छता, और स्वच्छता के बारे में सबसे ये कहना चाहता हूँ कि स्वच्छता की तरफ आगे बढ़िए, शौचालय बनवाइए, सरकार दे रहा है, जो सरकार पैसा दे रहा है उसमें और कुछ लगा करके आप और उसको बेहतर बना डालिए। गांव की नाली को, सफाई कर्मियों को निर्देश दिया जाता है कि गांव के सफाई कर्मी नालियों को साफ रखते हैं, लेकिन मेरा भी अपना दायित्व, अभी हमारे मास्टर साहब कह रहे थे कि मेरा अपना दायित्व है कि मैं अपने दरवाजे के सामने की सड़क अगर स्वयं साफ रखूँ तो पूरा गाँव सब अपने आप साफ करेगा। थैंक यू। आपका शुभ नाम सर? जी, मेरा नाम चंद्रभान अरुण है, मैं यहाँ प्रधानाध्यापक जी। प्रधानाध्यापक जी, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने स्कूल के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारे तरफ से हमारे बच्चों के लिए सिर्फ एक ही नारा है, खूब पढ़े खूब। और कुछ अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों से यही अपील करेंगे कि हमारे विद्यालय परिसर को साफ सुथरा रखें और किसी तरह की गंदगी ना हो, और जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ें। ठीक, थैंक यू।